So hello guys and welcome back to another video of BJ Gaming. So आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ हमारा प्यारा JamSMP. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So पहले आता है ये घर जो कि मेरा है, मॉडर्न हाउस है. इसको मैंने 3 से 4 घंटे लगे इसको बनाने के लिए. और आपको इसका इंटीरियर देखते हैं. ये देखो एकदम क्लासिक टाइप का है. बेड भी साइड में ही है, कुछ भी थोड़ा सा डिज़ाइन नहीं किया है. ये है मेरा एक प्यारा सा डॉगी, इसका नाम मैंने रखा है पम्पू पम्पना. फिर आपको दिखा देंगे, यहाँ पे भी एक और बेड है. यहाँ पे कभी कभी मैं सोता हूँ, कभी कभी नहीं सोता हूँ. और नीचे है मेरा स्टोरेज रूम, यहाँ पे सब लाइन बाय लाइन है. यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रखता हूँ. और ये है मेरा एन्चेंटिंग सेटअप. और यहाँ पे नेदर वर्ल्ड भी है. और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रखता हूँ, ये वाला चीज़ें कुछ भी रख देता हूँ, अपना इम्पोर्टेंट सामान. फिर हम दिखाएंगे मेरा एक भाई का घर. उसके 2 घर है. एक उसका नाम है आरफिन. उसका 2 घर है. पहला घर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ. बाय द वे ये एक टाउन हॉल है. तो हीरोब्रांड SMP देख के मैंने एक बनाया था जो एकदम मस्त लगता है. लेकिन इस पर डेकोरेशन इतना भी नहीं किया है. तो अभी आरफिन का घर दिखाऊँगा. पहला घर मतलब ये पहले एक घर था, अभी इसमें स्टेबल बना दिया है. वो जो हॉर्स की जगह होती है वहाँ पे हॉर्स रहते हैं. तो उसके घोड़े यहाँ पे हैं, बहुत सारे घोड़े हैं. काम भी है. फिर यहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन वगैरह भी है. यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं और वो उनकी ब्रीडिंग करा के बहुत सारे करेगा, फिर उसको वो बेच डालेगा. वो बोला था डायमंड में बेचेगा या नेदरराइट में बेचेगा. और ये है उसका सेकंड घर, जहाँ पे ये मस्त ब्रिज बनाया उसने. और ये है उसका घर. ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं आप, इंडिया फ्लैग, वो हमारा इंडिया का फ्लैग है. हमारा तिरंगा वो हमने इंडिपेंडेंस डे में बनाया था. और अभी उसको हटाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे ही रखा हुआ है. एंट्रेंस पे ही यहाँ पे थोड़े से फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस एंड कुकर. और यहाँ पे बैरल, यहाँ पे चेस्ट, ये उसका छोटा सा बेड है. यहाँ पे थोड़े से चेस्ट है और उसके फुल रेड आर्मर है. अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मेरा सबसे छोटा भाई का घर. वो ये घर उसका पुराना घर है. दो उसके भी 2 घर हैं, सिर्फ मेरा ही एक घर है. उसका ये पहला घर है. ये अंदर से इतना भी डिजाइनेबल नहीं है. ये उसने ऐसे ही बनाया था. अब बे चोर हट, उसने ये ऐसे ही मजाक में बना दिया था. फिर इस पर ही रहने लगा था. फिर उसने एक नया घर बनाया. अब वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ये देख रहे हो साइन बोर्ड पर लिखा है जॉर्जिस हाउस. अब उसका सेकंड घर दिखाता हूँ जो कि मुझे तो एक नंबर का लगा. क्या मस्त बनाया. और उसका जो सेकंड घर है वो तो उसका इंटीरियर भी वो डिज़ाइन करने लगा है. और चेस्ट में जो चीज़ें हों वो भी उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. सो उसको उसका सेकंड घर दिखाते हो. ये रहा उसका सेकंड घर. वाह, ओ माय गॉड. यहाँ एंट्रेंस उसकी ऐसे होती है वाटर लिफ्ट के ज़रिए से. इससे आप नीचे जाओगे और इससे आप ऊपर आओगे ऐसे आगे. उसका यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे आर्मर्स है चारों तरफ. यहाँ पे है उसका चेस्ट रूम. बाय द वे ये डायमंड्स हमने खुद करके ना हम अमीर हो गए कि हमारे पास डायमंड की कमी ही नहीं है. ये है उसका एन्चांटिंग सेटअप. यहाँ पे एन्चांटमेंट करते रखते हैं, बुक एन्चांट करके यहाँ पे रखते हैं. फिर यहाँ पे है एक फर्नेस एरिया. यहाँ पे फर्नेस है, स्मोकर है और ब्लास्ट फर्नेस है. यहाँ पे वो स्मेल्स
स्मेल्टिंग करता है। तो यही है हमारे SMP पे, ऊपर जाते हैं, रुक जाओ। ये हमारा स्टेबल है, स्टेबल छोटा सा, ये मेरे जॉर्जिक छोटा भाई ने बनाया है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम मस्त लगता है। तो यहाँ पे थोड़े एनिमल्स हैं, और ये जो पिंक शीप देख रहे हैं ये नेचुरली स्पॉन नहीं हुए, हमने पिंक डाई की वजह से उनको डाई किया है। और यहाँ पे आता है हमारा सबसे बढ़िया चीज़, जो कि है फुल नेदरराइट का बीकन। और इसके लिए हमने एटलीस्ट 3 to 4 months हमने ग्राइंड किया है इस बीकन। ये बीकन तो हमें इजीली मिल गया था, लेकिन ये नेदरराइट इकट्ठा करते करते हमारी बैन बच गई। यहाँ पे थोड़ा सिगरकेन फार्म है, यहाँ पे लावा का अनलिमिटेड सोर्स है, और यहाँ पे अनलिमिटेड पोशन है, अनलिमिटेड पोशन ही पोशन हो गया बेटे। अब मैं सुबह कर लेता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ क्या है, और आपको दूसरे विलेज पे भी ले जाऊँगा। तो माइनिंग करते हुए इतना सारा नेदरराइट हो गया था कि हमें और नेदरराइट चाहिए ही नहीं था, इसलिए हमने ऐसे ही लगाए हुए है। और यहाँ से रेल लेके, पहले आपको तो ऐसे जाना होगा, रेल पूरा रेल है, पूरा रेल ही रेल है। इस हमारे टाउन से डायरेक्ट विलेज में जाता है, जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक हमारी माइनिंग की जगह है और हमारा विलेज का जगह है। और अभी मैं आप लोगों को माइनिंग में जाना चाहता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। ये हमारा माइनिंग का एरिया, इसे पूरा नीचे चले जाता है, कुछ भी रुकावट नहीं है इधर में, अरे भाई। और इधर पे हम माइनिंग करता है डायमंड की, लेट्स गो। अभी हम जाएंगे दूसरे विलेज पे, जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर। हमें उसको बनाने के लिए एटलीस्ट 3 दिन लगे ही थे, 3 से 4 दिन। यहाँ पे लीवर है जो कि रेल को लेफ्ट राइट करता है, पूरा रेल। तब मैं वहाँ पे जाके आपको बताते हैं। हम अपने विलेज पे, और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक टाउन हॉल बनाया है, इसके अंदर इसके अंडर बेड है, और इसके जो स्टेशन है वो लगाया है, वो स्टेशन। फिर यहाँ पे मेरे पास फिर लाइब्रेरियन है और फ्लेचर है, उनसे ही ट्रेड करके मेंडिंग सेंडिंग ले लेता हूँ। फिर ये छोटा सा विलेज है, सो यहाँ पर ही वीडियो को एंड कर दे, चलो वीडियो के आउट। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से और एक धमाकेदार वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।